नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर के टेक्निकल रिव्यू में आपका स्वागत है। प्लीज़ आज मैं आप लोगों को चक्की मोटर कनेक्शन दिखाऊंगा। आज की चक्की मोटर को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस कापी में मैंने डायग्राम के माध्यम से चक्की मोटर का कनेक्शन बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है, ये हमारी मोटर है। इसमें हमारा ये मोटर, चक्की की मोटर, सिंगल फेस चक्की मोटर, ये हमारी चार पोल में बाइंडिंग होगी, 440 आरपीएम में चलेगी। तो चार पोल में एक पोल हमारा यहाँ आ जाएगा और एक पोल हमारा इधर आ जाएगा और एक पोल हमारा इधर आ जाएगा और एक पोल हमारा इधर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पोल बन जाएंगे। चार पोल में मेट्री मेरी मेट्रो बन गई। इसमें इस क्या होगा, इन चारों पोल में से दो दो वायर निकलेंगे, दो दो वायर निकलेंगे। वो दो वायर एक इनर रहेगा, एक आउटर रहेगा। एक इनर रहेगा, ये इनर होता है, ये आउटर। इसी तरह इसमें भी एक इनर रहेगा, ये आउटर। इसी तरह इसमें भी एक इनर और एक आउटर, और इसी तरह इसमें भी इनर और इधर आउटर। ये निकल गया हमारे पास दो दो चार दो छः दो आठ, ये हमारा रनिंग का कॉइल है। और इसको क्या करना है हमें, अब हमें इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, ये वायर ये जो आउटर है इसको यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद इसको उठाएंगे, ये वाला इनर वाला उठाएंगे या इनर से जोड़ देंगे। ये इस इनर को इनर से जोड़ दिया और इस ये वाला छोड़ देंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको भी छोड़ देंगे और इसका इनर, ये इनर इसके इनर से जोड़ देंगे ऐसे। अब हमारे पास चार वायर निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चार वायर को इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा सिंगल फेज में मोटर चलेगी। और अगर हम इसको यहाँ डाक जोड़ते हैं तो ये हमारी फिर अर्थ फेस में नहीं चलेगी। तो इसको अर्थ फेस में चलाने के लिए यहाँ से यहाँ कर देंगे, ये जुड़ गया। अब दो वायर जो निकले हैं ये हमारे चले जाएंगे मोटर के बाहर, और ये मोटर के बाहर चले जाएंगे। और इसी तरह से हमें स्टार्टिंग का बनाना है। स्टार्टिंग का भी बनाने के लिए मेरी, मान लीजिए मोटर है मेरी, ये मेरी मोटर है, इसमें भी चार कॉइल इस तरह से बन गए। ये इसमें इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, इस तरह से निकलेंगे। तो इसका भी कनेक्शन ये आउटर छोड़ देंगे, इनर को इनर से जोड़ देंगे। फिर इसमें इस तरह कनेक्शन नहीं होगा, इसमें इसको इससे जोड़ा, इनर को इनर से जोड़ दिया, फिर इसका आउटर बचा तो इसका आउटर को आउटर से जोड़ देंगे, और फिर ये इसका इनर बचा तो इसके इनर से जोड़ देंगे। ये अब इसमें भी दो हमारे बच गए, ये बच गया और ये। अब क्या होगा कि हमें चक्की मोटर में हमारे क्लच प्लेट लगी होती है। ये हमारे चार वायर निकल रहे हैं तो रनिंग के, ये रनिंग के दोनों वायर बाहर चले जाएंगे, ये भी दोनों वायर बाहर चले जाएंगे। और हमारा ये जो स्टार्टिंग का है, हमारा जो स्टार्टिंग का वायर है तो ये एक बाहर चला जाएगा और एक बार ये भी जाएगा बाहर, लेकिन
एक बार ये राइट जाएगा और एक बार क्लच प्लेट होते हुए जाएगा, एक बार बाहर जाएगा डायरेक्ट और एक इसका दो लूप निकालेंगे तो एक क्लच प्लेट से जाएगा। तो हमारा ये मान लीजिए क्लच प्लेट है यहाँ पे, तो यहाँ से एक जोड़ देंगे, ये क्लच प्लेट में जोड़ देंगे, फिर क्लच प्लेट से निकाल के इधर फिर ले जाएंगे। ये हमारा डायरेक्ट जाएगा और ये भी आएगा और ये हमारा क्लच प्लेट है, यहाँ क्लच प्लेट है, प्लेट है। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रनिंग कैपेसिटर, इसमें रनिंग कैपेसिटर जोड़ेंगे और इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।